मोतियों की माला ना भूलोई हो, वही पर बटन दबोई हो। ए बबुआ, याद रखे के बाद ना भूले के बाद ना भुलाए के बाद आ जौन बटन मोतियों की माला छाप पर बटन दबावे के बाद आगे बूढ़ी तू ध्यान रख। ए बूढ़ी, पटोहियों के बटा दो मोतियों के माला छाप पर बटन दबावे के बाद। मटिहानी दो, एक ऐसा पंचायत जो गंगा की गोद में बसा हुआ है, बेगूसराय की बाहें हैं और मटिहानी दो का विकास बेगूसराय का विकास होगा, ये उम्मीद है। और हमारे साथ राहुल जी हैं, इनकी माँ इस बार पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। एक महिला सीट है, एक सशक्त महिला की जरूरत हर पंचायत में होती है, कहीं ना कहीं मटिहानी दो भी इसी उम्मीद के साथ है। राहुल भाई, क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? सोच यही है कि जनता का सबसे बड़ा विकास हो। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ प्रतिनिधि हम 5 साल के लिए बनते हैं, अपनी विकास के लिए सोचते हैं, जनता का विकास नहीं होता। और मुख्य रूप से मेरे पंचायत में एक दलाली शब्द का जो शब्द है वो बढ़ चढ़ के शब्द का जोर लगाया हुआ है। दलाल हर जगह हर वार्ड में हो गए हैं। जो जनता का पैसा होता है वो अपने लूटते हैं और अपना सिर्फ परिवार का विकास करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए मेन मुद्दा यही है कि दलाली ख़त्म हो पंचायत से। अच्छा, इस बार बहुत सारी योजनाएं होंगी और खासकर मुख्यमंत्री की योजनाएं जो होंगी वो सबसे आगे रहता है, जलजीवन हरियाली की या जो भी योजनाएं होंगी मुख्यमंत्री जी की, किस तरह से आप गांव के हर एक जनमानस तक उसको पहुंचाएंगे? मुख्यमंत्री की जो जी की जो योजना है उसमें 7 निश्चय प्रमुख हैं। 7 निश्चय में नल जल था। नल जल में बिहार के पंचायत में हर वार्ड में इसकी लूट हुई है। सबसे पहले इसमें 100 नल लगाए गए थे, अभी जाके देखिए जिसमें टोटी कम है और कहीं पता नहीं चलता नल कहाँ है, पानी कहाँ जा रहा है। और उसके बाद उसमें पानी साफ करने के लिए व्यवस्था भी, उसमें पानी भी जैसे गंदा रूप से आता है 7 निश्चय में, जिसमें लूट हुई है। मुख्यमंत्री जी ना जो सफल नहीं है, पंचायत के जो प्रमुख प्रतिनिधि थे इसमें बंदरवाट किए हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी, 100% किसी काम में करना हमारी कोशिश रहेगी, 100% हो, ये हमारी कोशिश है। हम भी चाहेंगे अच्छे से अच्छे काम हो। अभी हम एक वर्तमान पद पे हैं, जनता ने एक सम्मानित पद हमें दिया है, जिस रूप से हम अभी काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं उसमें 90% 95% सही हो। 100% करना हम अपने भी नहीं कर सकते, हमें भी कुछ गलतियां होगी, हमने कहेंगे हम ये सही कर देंगे। लेकिन अभी हम महिला समूह का चला रहे हैं जो कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है, 133 महिला का हम समूह चला रहे हैं, जिसमें 33,25,000 रुपया हम महिलाओं को दिए हैं कम दरों में, जिसका 18% ब्याज लगता है। और हम जनवितरण चला रहे हैं जो पैक्स द्वारा हमको मिला गया है, जिसमें हम 100 ग्राम का गारंटी रखते हैं जो अनाज कम नहीं होगा। जो हमारे पूर्व थे, लोगों की अधिक शिकायत रहती थी हमें अनाज कम मिलता है, हमें यही बस रहेगी जो सरकार के तरफ से योजना लोगों को मिलेगा वो जनता के तरफ सही रूप से मिल जाए, बस हमारी यही कोशिश रहेगी। अच्छा चाचा, इस बार राहुल जी की माँ खड़ा हुई है, अंजू देवी जी, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है गांव का? यहाँ पर बदलपुरा से 2 हैं और इधर सरनिया जिला ये टोला सब मिला के 9 प्रत्याशी हो जाते हैं। सब अपना अपना उम्मीद लगा रहे हैं। रहा काम करने की बात, तो नल जल योजना में देखिए, बगल में राम उद्गार सिंह का घर है, बिलास जी का घर है, एक भी टोटी नहीं लगा है। इधर 15 दिन से बोल रहे हैं एक तो वो खराब हो गया है भेपर, हम बजरंगबली मंदिर के पुजारी हैं, ये क्या बोलते हैं, जिला परिषद को बोले झुन्ना सिंह को, वो बोले हाँ हाँ कल आ जाएगा। उसके बाद एक नया खड़ा हुए हैं जगदीश पासवान बोल के, उनको बोले तो वो भी फोन घुमा के बोले कल आ जाएगा, वो भी नहीं आया। तब हम लोग लास्ट में सोच रहे हैं एक दो और प्रत्याशी को बोलेंगे, करेंगे तो करेंगे, अन्य तो चौक पर दुकानदार से चंदा लेके करेंगे। सब अपना अपना भाग अजमा रहे हैं, भाग्यम फलम जिसको हो जाए, अभी कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा, राहुल जी से कितनी उम्मीदें होंगी, कौन कौन से ऐसे काम होंगे जब राहुल जी जीत कर आएंगे तो उसको करवाने की प्राथमिकता होगी आप लोगों की? व्यक्तिगत राहुल जी अच्छा आदमी है, इनको सब पैक्स में चुने हैं, उम्मीद है इनसे व्यक्तिगत अच्छा है। अब इनकी माँ एक बार और खड़ा हुई थी तो उसमें सक्सेस ना हो सकी, तो फिर अपना जोर लगा रहे हैं, भगवान का कृपा। जो भी प्रत्याशी आते हैं सब कहते हैं, सबको हम लोग किसको कहेंगे कि जो आपको नहीं देंगे,
सब अपना अपना ध्यान में है, व्यक्तिगत ही अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा चाचा, क्या करते हैं आप, क्या नाम है? विद्यानंद। अच्छा विद्यानंद जी, राहुल जी इस बार खड़े हो रहे हैं पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में, कितने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार जीत जाएंगे? अब उस प्रभु का कृपा है, बहुत उम्मीदवार है, अब ऐसे अपना जोर करना है। चांस है जी, यही बात है। अच्छा कौन कौन से ऐसे विकास के काम होंगे जिस पर आपकी प्राथमिकता होंगी बाबा? विकास काम तो वही न करेंगे। अच्छा कौन कौन कैसा ऐसा काम होगा जो आप आदेश देंगे राहुल जी को? आदेश तो ही नलका हुआ, यही सब, जैसे लाइट नहीं ठीक हुआ, लाइट ठीक होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। अच्छा भैया उजला गमछा रखे हुए, क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार, क्या लग रहा है इस बार राहुल जी की क्या उम्मीदें हैं? राहुल जी तो बहुत अच्छा आदमी है जो अभी कर रहे हैं, ऐसा नवयुवक बहुत कम है जो ऐसा कर दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जीत जाएंगे? हाँ उम्मीद ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि राहुल कुमार जीत जाएंगे। अच्छा कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको पंचायत में दिखती है और चाहेंगे कि अगले मुखिया उसको करें? अगले मुखिया देखिए, इसके पहले जो था कि पेक्स में राहुल जी खड़ा हुए थे, तो राहुल जी खड़ा हुए थे तमाम हमारे जिला पुनर्वास के गरीब गुरबा किसान मजदूर सभी को मिल करके इनको वोट दिया, तो हम लोग इनको अच्छा प्रत्याशी चुने। आ इस बार जो है राहुल जी मुखिया में खड़ा हुए हैं तो हम भी गांव में घूर फिर रहे हैं, देख रहे हैं इनका हवा बहुत अच्छा चल रहा है, और हम चाहते हैं कि राहुल जी ऐसा हमारा मुखिया बने जो हमारा गरीब गुरबाओं को किसान मजदूर को ये साथ दे, क्योंकि हम लोग भी इनका साथ देते हैं जिला पुनर्वास के, और ये भी चाहते हैं कि हम भी जनता को साथ दे और जनता के बीच में रहते हैं राहुल जी, इसमें कोई दो मत नहीं है, और हम चाहेंगे तमाम गरीब गुरबाओं सभी मिलकर के राहुल जी को हाथों को मजबूत करें, क्योंकि राहुल जी नौजुवक है और बहुत कुछ गाँव में देखते हुए ये कदम को उठाए हैं, जबकि राहुल जी का कोई चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन हम गरीब गुरबाओं किसान मजदूर जो घिरे हुए हैं बरसों से, आज उसी को देखते हुए राहुल जी खड़ा हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि राहुल जी को विजय बनावे, और राहुल जी ये भी कहते हैं कि आप लोग को सोचने की बात नहीं है, हम पटना किया अगर दिल्ली तक जाने के लिए पड़ेगा तो दिल्ली तक राहुल जी जाएंगे, चाहे इसके लिए खून की नदियां क्यों नहीं बह जाए। अच्छा भैया लाल गमछा रखे हुए, कम्युनिस्ट पार्टी से हैं का? क्या नाम है? राजकुमार साहब। राजकुमार जी, क्या लग रहा है राहुल जी ठीक ठाक लोग हैं? इस बार जितना चाहिए। हाँ का है वोट देना राहुल जी का? क्योंकि नौजुवक है, करेंगे गांव के लिए। अच्छा पैक्स अध्यक्ष है, काम करते हैं? काम करते कर ही रहे हैं। इस बार मुखिया में जिता देना। जिताना है, जैसे भी जिताना है। एकदम से मुरट्ठा दिए हुए, क्या नाम है भैया? नरेंद्र कुमार। मोचर पे ताव देते हैं, वोटर हैं कि नहीं? हाँ वोटर है ना। अच्छा किसको इस बार जिता रहे हैं इस पंचायत? इस बार युवा को मौका दिया जा रहा है राहुल जी को। अच्छा आप भी युवा है तो युवा को मौका देना। युवा को थोड़ा मौका देना, अभी क्या है इस पंचायत में थोड़ा चमचों का ज्यादा चलता है। अच्छा। तो इस बार चमचों को हटा के युवा को मौका देना है, तो इसलिए के राहुल जी के सपोर्ट में है। अच्छा युवा उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, कौन सी खासियत होनी चाहिए जो एक उम्मीदवार परिपक्व होगा? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इस पंचायत में चमचों की चलती है, ये प्रथा को हटाना है, सबसे बड़ी दिक्कत इसी से होती है, चमचों से, तो ये चमचों लोग को हटाना है इस बार पंचायत से, राहुल कुमार को जिताना, सपोर्ट करना है। किस उम्मीद के साथ, किस सोच के साथ आप इस बार चुनाव मैदान में आए? पंचायत मटियानी दो एक मिडिल क्लास मजदूरों का पंचायत है, इसमें हर लोगों का मतलब रोज रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इसमें नेतृत्व की कमी है, कोई प्रतिनिधि बनते हैं और अपने घर पे साथ हम सत्ता चलाएं, उसकी सबसे बड़ी बात है, उसको हटाना है। हम अगर मजदूर क्लास लोग एक दिन ड्यूटी छोड़ देगा तो खाएगा शाम को क्या, उस चीज़ को हम ही एक लोगों को किसी को भार उठाना होगा, इसी उम्मीद के साथ खड़े हुए। अच्छा जब आप जीतेंगे तो हर एक जनता का मन होता है कि मुखिया हमारे दरवाजे पर आए, किस तरह से ये उम्मीदें हर एक जनता को देंगे? अभी हम जिस पद पे हैं, हम ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता जिस किसी रास्ते से हम नहीं गुजरते हैं, हम हर दिन सोचते हैं इस रास्ते से मेरा हम पे घर पे कोई नहीं जाए, हम उसके घर पे जाए, हम हर दिन अपना पंचायत का हर गली घूमते हैं, ऐसा अनुभव हम किसी जनता को नहीं होने देते, अगर हम आप हमको चुने हैं तो हम आपके आप हमको नहीं मिलेंगे, ये शिकायत हम जनता को नहीं देना चाहते हैं।
अच्छा, विकास की बात करते हैं, गांव में कौन कौन सी कमियां हैं और क्या चाहेंगे कि किस तरह से उसका एक विकास हो और हर एक जनता आपसे खुश रहे? हमारी गांव की प्रमुख समस्या नली है, पानी की समस्या, बहाव की समस्या बहुत एक बड़ी समस्या है, जिसको दूर करने के लिए हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और दूसरी समस्या लाइट की, लाइट लगी थी हमारी पंचायत में, लमसम हर वार्ड में लाइट लगी थी, अभी जाके शाम को देखिएगा कितने लाइट बढ़तियाँ हैं, लाइट बढ़तियाँ। उसके बाद बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर हर जगह पर कहा जाता है नहीं हो पाता है, ट्रांसफार्मर की समस्या है। और रोड जो बनता है, यहाँ लूट है रोड बनाने में, सबसे बड़ा था रोड के एक अच्छे तसने बनाया जाता है, एक जगह गड्ढा छोड़ दिया जाता है, पानी वहीं जम जाता है, बरसात में ऐसा स्थिति हमारे पंचायत में बन जाता है, कहीं ठौना भर पानी रहता है, लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होता है, चाहे जैसे मन तैसे रोड बनाए और चल दिए, बस पैसा होना चाहिए, प्रतिनिधि पैसा कमाए और हो गया, सबसे बड़ी समस्या ये है। एक संदेश जो जनता के नाम देना चाहेंगे? बहुत संदेश हम मटिया दो की जनता से यही देना चाहते हैं कि हमें एक बार मौका दें, हमें अपना सेवक चुने, हम आपको शिकायत जैसे नहीं दे रहे हैं उसे शिकायत नहीं देने की कोशिश करेंगे, एक बार हमें इस पद पे आने का मौका दें। सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक और दिक्कत है, जो बहुत प्रत्याशी पैसा का ज़्यादा बंदर बांट कर रहे हैं। एक हमने सुबह एक वीडियो फेसबुक पर देखा था, जिसमें वो पैसा खर्चा किया तो जनता से फिर वही इंदिरा आवास में 30,000, शौचालय में 2,000, फिर वही लेंगे। अगर वो पैसा खर्चा आज कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, ना उनके पिताजी का कोई सरकारी नौकरी है, ना उनकी बड़ी कोई फैक्ट्री चल रही है, और दो दो लाख कहते हैं 10-10 लाख खर्चा कहाँ से किए हैं, और वो पैसा कहाँ से मैनेज होगा, है पीने के लिए 5,000 मुर्गा भाजो चल रहा है, कहाँ से चलेगा। उससे बचिए और एक ईमानदार और जनप्रतिनिधि को चुनिए और आपका सेवा हमेशा हम करते रहेंगे। हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक और हमारे मित्र हैं, प्रिंस भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपके गांव में आए हैं। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए, और ये अच्छी बात है कि आप जनता को कुछ सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, और कितना जरूरी है एक परिपक्व प्रतिनिधि आपके पंचायत में? इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक छोटा मोटा आंकड़ा देना चाहेंगे। जब देश का पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो युवाओं का प्रतिशत था वह 17.7% थी, लेकिन अगर आज का लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन की आप बात करेंगे तो मात्र 7% युवा रह गए हैं। भयावह वाली बात ये नहीं है कि मात्र 7% है, भयावह वाली बात ये है ये वो युवा हैं जिनका पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो ये देश के लिए सबसे बड़ी जो है सो विडंबना है कि एक युवा देश में युवा को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो हम इस बार चाहेंगे वैसे युवाओं को मौका देने के लिए जो जिसकी पहली प्राथमिकता शिक्षा हो और ग्रामीण स्तर पे उनका जो है जल की व्यवस्था हो, उनका जो भी ब्लॉक लेवल पे जातीय आवास या हो, इंदिरा आवास हो, उस पर एक अच्छी पहल और एक पारदर्शिता होना चाहिए, ना कि लोगों को दौड़ धूप करना और घुस देनी पड़े। जी, अब प्रिंस आप इस पंचायत में हैं और राहुल जी को बहुत करीब से जान रहे होंगे, कैसे उम्मीदवार हैं, कैसा व्यक्तित्व है, और कितने सटीक रूप से ये काम करेंगे आने वाले भविष्य में? देखिए, नेता में अगर सबसे बड़ी बात बोलिएगा ना, तो अक्सर हम लोग सुनते हैं क्या कि ये नेता दिखते ही नहीं है, तो इसमें हम राहुल जी को 5 स्टार देना चाहेंगे कि ये हमेशा समाज में विद्यमान रहे और जब कभी भी जरूरत पड़ी है तो इनको फ्रंट पेज पे देखें, भाई इनके लिए हम पहला प्राथमिकता मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम युवा हैं और देश की जो परिस्थिति है उसमें युवाओं का आना अति आवश्यक है, तो इसलिए हम चाहेंगे तमाम युवाओं से कि वह आए और इसमें भागीदारी लें और ग्राम पंचायत का जो सरकार की 1992 जो संविधान संशोधन हुई थी कि पंचायती राज को व्यवस्था लाया जाओ, और ये पंचायती राज व्यवस्था किसी और की विचारधारा नहीं, महात्मा गांधी की विचारधारा है। और यह पहली जो पंचायत ग्राम पंचायत की बात करें तो सबसे पहले ग्राम पंचायत राजस्थान के नागौर में लागू हुआ और उसी का प्रोजेक्ट आगे बढ़ते बढ़ते और संशोधन होकर 1992 में पूरे देश में लागू हुआ है। ठीक, तो हम चाहेंगे कि इसमें युवा आए और सबों की सहभागिता हो तो ये अच्छी बात है। तो बिल्कुल सही इसने कहा कि एक युवा प्रत्याशी बहुत जरूरी है किसी भी पंचायत में, और इसी उम्मीद के साथ अगर आपको राहुल अच्छे लगते हैं, मटिहानी दो से उत्तम प्रतिनिधि लगते हैं, तो आप एक बार मौका दें, उम्मीद है अच्छे काम करेंगे। और इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने पूरा टाइम निकाल के इस पंचायत में आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत मटिहानी दो की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हमारा पंचायत परिवर्तन की ओर चले और एक युवा को मौका मिले। अर्जुन जी, इस बार कौन कौन सी समस्याएं जो आपको पंचायत में दिख रही हैं और चाहेंगे कि नहीं इस बार जो मुखिया हो वो उसको दूर करे? देखिए,
कोई भी मुखिया रहता, समस्या तो हर चीज का समस्या है, समस्या कोई मुखिया अभी तक कोई निदान नहीं है करता, समाधान है लेकिन निदान नहीं है न होता है। और मैं भी, हम सामाजिक लोग हैं, समाज में काम करते रहे हैं, ये जनता से पूछ सकते हैं। अभी वर्तमान में हम कुछ भी नहीं है लेकिन समाज के काम करते हैं, किसी भी प्रकार जो हमको समझ आते हैं उस बीच में हम भाग लेते हैं। 2001 में हमारे पत्नी वार्ड सदस्य थे, इसके बाद बीच में हमारे चचेरा भाई था, वो वार्ड सदस्य बोले जो एक बार हमको भी मौका दिया जाए, तो हम उसको मौका दिए। वो वार्ड सदस्य से हम लोग नाराज होकर उम्मीद करते, मैं भी खड़ा हो गया अब की बार वार्ड नंबर 8 से। और जनता जो मत देगा या जनता से पूछने के काम है, जो विजय होगा जिसको विजय करे। अच्छा, पंचायत के समस्या की बात करें, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या है जल नल योजना, सड़क, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, यही सब समस्या है। अच्छा, आप भी वार्ड में खड़े हो रहे हैं लेकिन मुखिया प्रतिनिधित्व करता है वार्ड का भी, जब एक अच्छा मुखिया होगा तभी एक अच्छा वार्ड बन सकता है, मुखिया कितना अच्छा जरूरी है? मुखिया तो चाहिए तो अच्छे है, अच्छा रहना चाहिए। अभी हम खुल की बात नहीं बता सकते हैं जो कौन मुखिया अच्छा है नहीं है। आपका राहुल जी के साथ कैसा संबंध है, ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। कहाँ लग रहा है इस बार मुखिया में जीत जाएंगे? वोट होते थे जीतिन किया, वोट सब हमें देव ना, हमें देव आरो लोग बहुत कुल्ले लोग देते हैं तभी। पढ़ल लिखल उम्मीदवार छथिन कि नहीं? हाँ पढ़ल लिखल न छथिन, पढ़ल लिखल न छथिन, पढ़ल लिखल छथिन। हाँ टैक्स में जीतल की ना सब चीज। अच्छा, लोग सब के साथ कोई भी प्रतिनिधि के एक संबंध हो छे जे बढ़िया संबंध रहे के चाहिए, मिले के चाहिए रोज दिन। राहुल जी अहाँ सामने उपलब्ध रहे छता? हाँ सर, हरदम आवे छथिन, जाए छथिन, उपलब्ध छे कामर में आवे छता। हाँ आवे छथिन, जब भी खोजते हैं मिलते रहे कि नहीं? मिलते हैं। डर से नहीं बोलते हैं? नहीं नहीं डर से नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आते हैं बराबर, आते हैं भेंट कर जाते हैं। इस बार मुखिया में खड़े हो रहे हैं, ठीक है? कितना उम्मीद होगा राहुल जी से, कौन कौन से काम होंगे जो चाहेंगे कि नहीं राहुल जी इस पर प्राथमिकता दें और इसको करें? ठीक है रहेगा मुआवजा मुखिया में। कौन कौन सा काम करना चाहिए उनको? जो विकास वही नहीं करेगा और क्या करेगा? विकास में कौन कौन चीज जी? सड़क हुआ, नाली हुआ, स्कूल हुआ, ये सब होगा। राहुल जी खड़ा हो लहन, कैसन उम्मीदवार छता? ठीक है आदमी सर, पढ़ल लिखल छता, मिले यार छता? हाँ हाँ मिले छन जरूर। टैक्स में जीतल छता, कामर करे छता? हाँ कामर करे। इस बार मुखिया बनाए देख छ? हाँ सब बनेबे, नहीं तो जनता सबका पसंद। आई स्कूल आई रास्ता जो बंद है तो ओकरा तो कोई खोलबे नहीं करते हैं, जीत जाते हैं, कहता है कि हम कल जोड़ने जाते हैं, सर रास्ता बना देगा आपको। और स्कूल जो बच्चा सब पढ़ता है उसको निदान करेगा, जमीन जो लिया हुआ है कैप्चर किया हुआ, तो ये सब काम नहीं करते है। अभी तो सब कहता है हमको मुखिया बनाइए, हमको बनाइए, जीत जाते हैं और फिर भी जनता को नहीं करना चाहते हैं सर। तो राहुल जी को बोल दीजिए एक बारी करना है। राहुल जी को सब काम कर दिया है, ऐसा बात नहीं, जानकारी नहीं है, पूरा जानकारी है उसको। मुखिया के बाद करेंगे? हाँ अब वो भी लगा हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी नहीं हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? प्रिंस भारती। यही आपका रोजगार है? क्या क्या बेचते हैं? देखिए ये गोभी है ना, गोभी, ये बैंगन, करेला बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं जी। और ये बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। रोजगार? पढ़े लिखे हैं? कितना तक पढ़े हैं? देखिए इंटर किए लेकिन ये सरकार जो है इसमें रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे लोग को रोजगार नहीं मिल रहा। बिल्कुल, समस्याएं बहुत हैं, समाधान बहुत कम है, महंगाई की भी मार है जी जी। इस बार राहुल जी खड़े हैं मुखिया रूप में आपके पंचायत में, कैसे उम्मीदवार हैं? देखिए ये तो बात सही है, जो फैक्स में जीते थे तो ऐसा अभी तक कैंडिडेट नहीं मिला जो छोटा ही पद में लेकर गांव में बहुत ही अच्छा ही काम कर रहा है, छोटे मोटे को रुपया भी देते हैं, श्राद्ध शादी हुई हाँ देते हैं, लेकिन ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल पाया फैक्स में। जो अभी जो मुखिया बनने जा रहे राहुल जी, हम सब उम्मीद है कि सब मिल को एक शुभकामना दे देंगे। हाँ क्या लग रहा है कितना वोट से पंचायत में जीतेंगे राहुल जी? ये तो बात है कि
मुखिया की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, प्रत्याशी बहुत जी हाँ, तो हमारा लगता है 100-150 वोट से कोई भी डील करेंगे। तो एक पंचायत चुनाव अपने आप में एक सही चुनाव है, लोकतंत्र पंचायत में बसती है, गांव में बसती है। तो इन्होंने सही कहा कि 100-150 मत का अंतर होगा, जीत हार का यही पैमाना होता है इस गांव में। और बहुत अच्छा रोजगार करें, आप भी समृद्ध हों, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत थैंक यू। चाचा, गाँव में कितनी समस्या और किस तरह से उसका समाधान हो सकता है? नहीं, आपकी बात क्वेश्चन हम नहीं समझ सके, फिर से बोलिए। गांव में कौन कौन सी समस्याएं आपको सबसे ज़्यादा रूप से दिखती है, जिससे आप प्रत्येक दिन आपका आप सामना करते हैं उसका? हमारे गांव की व्यक्तिगत मेरे गांव की जो यहां की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है पानी, ड्रेनेज का, यहाँ नाला पानी का व्यवस्था नहीं है कहीं भी। गंगा जी भी है, गंगा तो दूर में है, बांध के उस पर रहता है, लेकिन गाँव का जो पानी है उसके निकलने का कोई जगह नहीं है। बारिश में या और दिन भी प्रत्येक दिन जो डेली यूज होता है ना, उसके भी बाहर निकलने का कहीं कोई जगह नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। और दूसरा प्रॉब्लम है जो ये पुनर्वासित गांव है, परिवार तो सबका बढ़ा लेकिन जगह तो सबका वही लिमिट रह गया। सरकार ने सबको बसने के लिए एक इकट्ठा ज़मीन दिया, उसी में से रास्ता भी निकाला तो 14 दूर पर हेड बचा, अब परिवार बच करके 2-3 भाग में हो गया तो उसमें रहने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसे में नाला का निर्माण अगर हो जाता है, कहीं पानी का निकास हो जाता है, तो लोगों को इसे बहुत फायदा होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, समस्या आपने बता दी, समाधान किस तरह से हो सकता है? समाधान तो यहाँ नॉर्थ साइड में ढेर जगह है, या सरकार उसमें से कुछ जगह को एक्वायर करके एक पॉन्ड टाइप का बना दे, उसमें इसका निकास करें तो समाधान हो सकता है, निकल सकता है। अच्छा, इस बार पंचायत चुनाव है और गांव में बहुत गहमा गहमी दिखती है, और संयोग है कि राहुल जी जो पैक्स अध्यक्ष थे उनकी मां खड़ा हुई है, कितने अच्छे उम्मीदवार दिखते हैं आपको? हमें तो बहुत युवक और अच्छा उम्मीदवार नज़र आ रहा है। ये मैं इसे आज से नहीं, बहुत बच्चे से जानता हूँ, जब गोद में था उसी समय से इसे जान रहा हूँ। अच्छा लड़का है, अच्छा कैंडिडेट है। अच्छा, आप बड़े हैं और आपके गोद में उसने खेला है, ऐसा आदेश जो आप देना चाहेंगे, कोई आदेश जो चाहेंगे कि पंचायत मुखिया बनने के बाद वो काम करे? नहीं, ये सही ढंग से कर रहा है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कोई गलती करेगा तो हम लोग इसे उस समय हिदायत कर देते हैं जे ऐसा काम मत करो, तो परहेज कर लेता। क्या क्या समस्याएं आपके नज़र में? मेरे सबसे बड़ी समस्या जो तो ये बोल दिए नाली का होना चाहिए, सही बात है। हमारे स्कूल पहले मिडिल अति था, प्राथमिक विद्यालय, अब ये गांव के लोग मिलजुल कर जो सामाजिक लोग है सो ये उत्कर्मी विद्यालय बना 8वां वर्ग तक है, और कुछ लोग हमारे ग्रामीण जो है सो जमीन अपनी स्कूल का जमीन भी अपना अंदर में रखे हुए हैं। कितना SDO के पास धरना दिए, ब्लॉक प्रखंड जहां तक हुआ हम लोग धरना में गए किए, लेकिन प्रयास करने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ। कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है, बिल्कुल है। कैसे इसका समाधान हो सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो कैसे, तो हम लोग तो अध्ययन करेंगे, जहां तक जाना है SDO के पास, DM के पास गया, या मुखिया जो वर्तमान में थे उन लोग को भी कहें, उससे भी समस्या नहीं हुआ, हमारे समस्या गाँव का हल नहीं हुआ, सबसे जटिल समस्या ये है। बिल्कुल, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, पंचायत आप घूमिएगा, समस्याओं का अंबार है और उसका समाधान होना चाहिए। जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या जो भी लोग हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पंचायत की तमाम जनता आपसे खुश रहे, उनके समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं कविन लेस, कैमरामैन दीपक के साथ।